हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। यू आर वाचिंग नूब गेमिंग। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। तो गाइस, अभी हम खेल रहे इरेंगल। तो ये वाला गेम प्ले बहुत ही बढ़िया जाता है और इसमें हमारे ज़्यादा किल्स नहीं निकलते, लेकिन ये जो हमारे टीममेट होता है, एक तो 3 नंबर और 4 नंबर, भाई साहब जी एकदम प्रो प्लेयर होते, हर जने को घुस घुस के मार के आते हैं। इन दो लोगों ने बीच में एक टीम को, पूरी की पूरी टीम को ख़त्म भी कर दिया था, स्क्वाड वाइप कर दी थी, लेकिन वो हम देख नहीं पाए। लेकिन नीचे लिखा आ रहा था कि इन्होंने पूरी स्क्वाड वाइप कर दी, तो फिर हमने सोचा भाई साहब ये तो बहुत ही ज़्यादा प्रो प्लेयर है, इनके साथ तो खेलना बनता ही है। तो फिर अभी तो हम आगे की तरफ नीचे जा रहे थे, लेकिन हम वहाँ पर पहुँच नहीं पाए। तो फिर ये नीचे थोड़े बहुत छोटे छोटे से घर, हमने सोचा कि यहीं पर लूट लेते हैं। यहाँ पर ही मैं और 3 नंबर, मतलब 3 नंबर तो नहीं आता, मैं 4 नंबर और 1 नंबर, हम यहीं पे उतर जाते तीनों के तीनों। और ये बड़े वाले घर के अंदर घुस जाता हूँ मैं तो, क्योंकि सबसे बड़ा घर यहाँ का यही था और इसमें मुझे लग रहा था कि लूट अच्छी खासी मिल जाएगी। और इस सर पे मेरे देख रहे हो गाइस बर्गर, ये बहुत ही बढ़िया बर्गर है, खाने में एकदम मजे आ जाते हैं इस बर्गर को खाने में। अगर मुझे बीच में भूख लगती है तो फिर मैं इस बर्गर को ही निकाल के खा लेता हूँ अपने सर में से। तो यहाँ पे तो मुझे कुछ खास लूट मिलती नहीं है, इन तीन दोनों ने मिल के ये पूरा का पूरा सब कुछ लूट लिया था। तो मैंने सोचा कि इनके पहुँचने से पहले मैं आगे वाले घरों में पहुँच जाऊँ। देखो 3 नंबर के पास भी गन है, मेरे पास गन ही नहीं यार, वो तो इन्होंने एकदम गरीब बना दिया। मैं गरीब हूँ, हाँ मैं तो गरीब हूँ। तो जब लूट वगैरह कंप्लीट होती है तभी मिलता हुआ मैं आपसे। तो फिर अभी तो मैं यहाँ पे दूसरी जगह पे आ गया था लूटने के लिए, तो क्या भैया जी ख़त्म कर दिया वह 2 नंबर। इसका किल चुरानी वाला था, वो रेलोड पे था इसलिए मैंने जल्दी से मार दिया। इसके बाद एक एम भी, एक एम उठा लेता हूँ। चलो मैं एक एम का है, अबे कहाँ गई एक एम, वो एक एम का है, अच्छा यहाँ पे पड़ी है। पहले तो क्रेट में दिखा रहा था, यहाँ पहुँच गई अपने आप। ये क्या बात हुई भाई, मेरे पास एक एम की ज़्यादा बुलेट्स नहीं है। हाँ जब भाई एक नंबर में इतना बदतमीज आता ही नहीं है, बैठता ही नहीं है, बात ही नहीं सुनता मेरी। जमीन वाले घर को लूट लेते हैं। तो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरी वीडियो को लाइक कर देना। ये सबसे बड़ा घर है, फिर तो इसके अंदर ही घुस जाता हूँ मैं, कभी पता चले कुछ मिले ही ना। अरे अभी तक तो कुछ भी नहीं मिला, कुछ तो मिल जाए भाई। ये भी कुछ काम करनी है, यूवी यूवी ले लूँ, ये वाली एक ले लेता हूँ गन। अगर गोलियाँ वगैरह ख़त्म हो जाएगी तो यही वाली गन चला लूँगा मैं। देख रहे होगा इसके तब प्रो प्लेयर हूँ मैं, लोगों के पास यहाँ पे इतनी बढ़िया बढ़िया गन होगी और मैं पे दूसरी गन चलाऊँगा। वैसे इन गन से भी मैंने बहुत लोगों को मारा है, लेकिन TDM वगैरह में ही मारा है, ऐसे बड़े उसमें नहीं मारा। फिर अभी हम जहाँ पे पहले लूट रहे थे वहाँ से लूट लूट के हम निकल जाते हैं, जितनी भी लूट थे हमने सब कुछ ले लिया था जो भी काम का था। और मुझे AKM वगैरह की बुलेट्स वगैरह भी मिल गई थी, और ये जो हमारे टीम मेट्स हैं हम इनके पास ही जा रहे थे। फिर 1 नंबर भाई जल्दी चला ले, और सामने की तरफ फाइट हो रही है, एकदम से घुस जाते हैं, रश मारेंगे अब हम। मैं जने को तो गाड़ी ही उड़ाते हैं, 1 नंबर बहुत बढ़िया गाड़ी चलाता है। देखा गाइस कैसे उड़ा दिया 1 नंबर ने गाड़ी से, 1 नंबर ऊपर हुआ गाड़ी चलाने में मेरा भाई है। अरे भाई हट जाना यार, मुझे मारने दे, उसे थोड़ा सा तो डैमेज लेने देता यार, डैमेज के पॉइंट बढ़ जाते मेरे। यहाँ पर और जने के जल्दी से पकते हैं, चले ऊपर की तरफ, लोग ऊपर वाले हमें मार बोलना दे, ऊपर भी रश मार दे या रश मार देते हैं। चल छोड़ना क्या करेंगे यार, एक बार रोक के तो देखना चाहिए, साले घर पे रोकते हैं। 1 नंबर भाई यहीं पे कहीं पे रोक दे अगर रोकना है तो, वैसे मेरा मन तो नहीं है रुकने का, अगर तो रोकना तो रोक दियो। पूरी की पूरी गाड़ी घुमा दी, एक भी जना नहीं दिखा, डर गया हो गया हमसे अगर कोई होगा भी तो यहाँ पे। अब क्या करें यार, अब तो बोर हो जाएंगे फिर से। 45 लोग अलाइव अभी और हम चारों के चार टीममेट एकदम जिंदा है। अरे मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर यार ये तो दूसरी क्रेट थी, मुझे लगा भाई साहब यहाँ पे एक और जना है, डरा के रख दिया इसने तो मुझे।
जल्दी से लूट ले ले। एक नंबर सारी लूट मत ले लियो, मुझे भी लेने दे। चल 2x वगैरह सब कुछ मिल गया, सब कुछ उठाता हूँ। इसे फेंको बकवास की चीज़ों को, इसे भी। हाँ ठीक है। M416 की भी गोली उठा ली, 1M की थोड़ी कम है, लेकिन कोई बात नहीं, काम चला लेंगे। और गाइस मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया टिप देना चाहता हूँ, अगर आपके ऊपर कोई भी जना रश कर देता है और आप किसी घर में होते हो या ओपन एरिया में होते हो, अगर आपके ऊपर किसी ने रश कर दिया और आपके पास M416 हो तो आप M416 को मत चलाना। अगर आपके पास M416 हो या और कोई गन हो, मैं बताता हूँ, अगर आपके पास AKM या बैरल, अगर ये दोनों है और लोग आपके ऊपर रश मार, तो आप AKM और बैरल को यूज़ करना और किसी भी गन को यूज़ मत करना, क्योंकि AKM का जो डैमेज है वो M416 से ज़्यादा है, M416 का भी ज़्यादा है। लेकिन अगर वो पास पास से AKM मारते हैं तो बढ़िया चलती है AKM। ज़्यादातर यूट्यूबर्स को देखा भी होगा या फिर जितने भी पबजी प्लेयर होते हैं, अगर उनके ऊपर रश हो रहा होता तो फिर वो ज़्यादातर AKM या बैरल ही यूज़ करते हैं। कोई कोई है जो M4 भी यूज़ कर लेते हैं, लेकिन अगर आपके ऊपर कोई रश मार तो आपको AKM या बैरल भी यूज़ करते हैं। और अगर आपके पास रेड डॉट या फिर होलोग्राफिक कोई स्कोप हो और वो एकदम थोड़ा सा सामने की तरफ है, मतलब आपसे थोड़ी सी दूरी है कि घर के अंदर हो लेकिन थोड़ा सा दूर आपको दिख रहा है, तो आप तभी AKM यूज़ करना। और AKM कभी भी लॉन्ग रेंज में बिल्कुल भी यूज़ मत करना, वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकती है भाई। इधर उधर गोलियाँ भग जाती है, लड़कों को लगती भी नहीं है, इतने बदतमीज लोग होते हैं। चलो ज्ञान की बात है, बांटना छोड़ो, आपका मन भाई जो उनसी मर्जी यूज़ करो, मेरा तो बस एडवर्टाइजमेंट देने का मन कर रहा था, फिर अब बताने का। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप यूज़ करके एक बार वैसे यूज़ करके देखना, मैं भी यही करता हूँ। मैंने अभी एक शॉट भी डाला था, उसके अंदर मैंने AKM से दो लोगों को एक साथ नॉक कर दिया था, मैं नॉक क्या फिनिश ही कर दिया था, और मेरे साथ कोई भी मेरा टीममेट वगैरह नहीं था, वो मेरे ऊपर रश कर रहे थे। अगर मेरे हाथ में M416 होती तो मैं पक्का मर जाता, लेकिन अच्छा हुआ मेरे पास AKM थी तो मैंने मार ही दिया सबको। तो गाइस अभी हम बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से बच के आ रहे हैं, हम ड्रॉप लूटने गए थे और ड्रॉप में से मैंने तो गन भी उठा ली M24, लेकिन पीछे पे लोग हमें मारने लग गए और उसकी वजह से हमारी गाड़ी को भी डैमेज कर दिया। और अब देखो एक नंबर एकदम प्रो ड्राइविंग स्किल्स दिखाते हैं, उसने ठोक भी दी, और आपने देखा था एक नंबर ने कैसे ऊपर से एकदम पत्थर के भी ऊपर से कूदाती थी गाड़ी, अगर हमारी गाड़ी ज़्यादा स्पीड में ना होती और थोड़ी सी भी डिसबैलेंस हो जाती तो फिर हम वहीं पर ख़त्म थे। वहीं पर बैठा रहता हूँ मैं तो, कहीं पर चले वो रश वश ना मार दे, वहीं पर बैठे रहते हैं यार। ये 2, 4 नंबर और 3 नंबर भी हमसे बहुत दूर है, चलो कोई बात नहीं, 2 नंबर और मैं तो एक साथ, मतलब मैं और एक नंबर तो एक साथ है भाई, भाई भाई हम तो। और अभी वही जो टूटी हुई गाड़ी थी हम उसी को ही लेके जोन में आ गए थे, और हम अपने टीममेट के साथ ही बैठे हुए थे, और अभी सिर्फ 2 लोग ही बच रहे थे। तो एक नंबर और मेरा प्लान बन रहा था कि जैसे ही एक जना बचेगा पूरे के पूरे गेम में, तो फिर हम गाड़ी लेके इधर उधर जाएंगे और उसको गाड़ी से उड़ा देंगे या फिर गाड़ी के अंदर बैठे बैठे उड़ा देंगे। लेकिन हम इस बात के लिए श्योर भी नहीं थे, क्योंकि हमें लग रहा था कि क्या पता है 2 लोग एक साथ हो, लेकिन फिर एक नंबर और मैंने सोच लिया कि ये दोनों एक साथ नहीं हैं, और यहीं पे हमारे पास गाड़ी थी तो हमने सोचा कि क्यों ना मौके का फ़ायदा उठाया जाए, सीधा गाड़ी लो और निकलो और मार दो उसके। लेकिन गाइस इसमें हमारा पोपट हो जाता है, हमें पता नहीं चलता कि जना कहाँ पे है, और हमें लग रहा था कि यहीं कहीं पे आसपास तो नहीं, वहीं कहीं पे स्नैकू गैंग बन के लेटा हुआ होगा। लेकिन फिर यहाँ पे इसने मार्क करा था 4 नंबर ने कि यहाँ पे एनिमी है, लेकिन हमें तो दिखा ही नहीं, और हम मारने के लिए जा ही रहे थे लेकिन यहाँ पे हमें कोई भी नहीं दिखा। फिर हमने सोचा था हमारा पागल बना रहा, जैसे मारे ना, और उसने मार भी दिया, बताओ गाइस। तो गाइस अगर आपको मेरी वाली वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरी वीडियोस को लाइक कर देना। तो गाइस अब मैं मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय। लेकिन गाइस मैं इसमें MVP नहीं बनता, और गाइस अगर अपनी सारी ईमेल आईडी खोलो और सबसे मेरे चैनल को सर्च करो और सब्सक्राइब कर दो, सब कुछ कर दो, सब कुछ।